हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी और क्रीमी चिकन करी। ये चिकन करी की रेसिपी बहुत सिंपल है, आप इसे चावल, चपाती या डोसा के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो स्टेप वन है मैरिनेशन। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है, टर्मरिक पाउडर लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट है, दही लिया है यहाँ पे मैंने, कश्मीरी लाल चिली पाउडर ली है और आधा नींबू भी लगेगा। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की जो पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ। नेक्स्ट इसमें जाएगा 3 बड़ी चम्मच दही के। तो ये खट्टा दही नहीं है, फ्रेश दही लिया है यहाँ पर, आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर या कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद मैं डालूंगी 2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा मिर्ची आप डाल सकते हो, कम पसंद हो तो कम डालिए। और एक आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें। नेक्स्ट इसमें जाएगा 3 से 4 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बढ़िया आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। लास्ट में डालूंगी आधा नींबू का रस झोड़ के, तो इससे थोड़ा खट्टापन आता है। इसे आप हाथों से ऐसे मिक्स कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए चिकन को, करीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। इस पॉइंट पे आप थोड़ा नमक भी डालिए ताकि चिकन को थोड़ा टेस्ट रहे और वो ब्लैंड ना लगे, इसलिए थोड़ा नमक डालिए और अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। ये मिक्स हो जाने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर ज़्यादा टाइम तक रखते हो तो और भी बढ़िया है, तो कम से कम 30 या फिर 20 मिनट के लिए रखिए इसे मैरिनेट होने के लिए। तो ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ। नेक्स्ट हम मसाला बनाते हैं। उसके लिए 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं यहाँ पर मैंने, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। यहाँ पे लाल सूखी मिर्च ली है, 1 बेड की मिर्च लिए है और 2 थोड़ी तीखी मिर्च ली है। अगर तीखा पसंद ना हो तो ये मिर्च आप स्किप कर सकते हो। काजू लिए हैं, काजू भी एक्स्ट्रा क्रीमिनेस डालेगा, नहीं हो तो स्किप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पतीला रखा है मैंने, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। गर्म होने तक इंतज़ार कीजिए। गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं प्याज जो है कटे हुए वो डाल रही हूँ। प्याज को पिंक होने तक ही पकाना है, ज़्यादा उसे ब्राउन नहीं करना है। तो इसे आप हाई हीट पे फटाफट से ऐसे चला लीजिए। इसमें थोड़ा मैं अभी नमक डालूंगी क्योंकि नमक से जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो ये जब तक पिंक नहीं होते आप इसे ऐसे टॉस करते रहिए। इसे ऐसे मिक्स कीजिए, ऑलमोस्ट पिंक हो चुके हैं। अभी मैं इसमें लाल मिर्च जो थी मेरी सूखी हुई वो तोड़ तोड़ के डालूंगी, उसकी डंडी हमें नहीं चाहिए, तो डंडी निकालिए उसकी और ऐसे पीसेस में आप तोड़ के उसे डालिए। लाल मिर्च से कलर बहुत मस्त दिखता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट इसमें जाएगा काजू जो है, वो काजू ऑप्शनल है, ना हो तो मत डालिए। मिक्स कीजिए इसे अच्छे से। 1 मिनट ऐसे मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी टोमेटोज़ डालिए और इसको तब तक पकाना है जब तक कि टोमेटोज़ गल नहीं जाते, ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट में टोमेटोज़ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और टोमेटोज़ भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इस स्टेज पे आप गैस बंद कर दीजिए और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद इसे मैं मिक्सचर जार में ले रही हूँ। इस मिक्सचर को मिक्सर जार में लीजिए। ये मसाले में अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 बड़ी चम्मच दही डालेंगे। दही से और क्रीमीनेस आता है। तो देखिए कितना क्रीमी और स्मूथ पेस्ट बना है। तो इसे ऐसे पीसिए आप। लास्ट स्टेप है कि चिकन को पकाना। तो अभी हाई हीट पे जो पतीला हमने लिया था मसाला बनाने के लिए उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालिए, अच्छे से उसे गर्म होने दीजिए। तेल गरम होते ही यहाँ पे मैं थोड़े सूखे मसाले डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ना हो तो मत यूज़ कीजिए, बट इसे एक एडेड किक मिलता है।
तो इसमें यहाँ पे मैंने डाला है तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक, ये बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, नहीं हो तो मत कीजिए, स्किप कर दीजिए इस स्टेप को। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटा हुआ प्याज, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मीडियम साइज़ का काटिए। इसे ऐसे टॉस कीजिए 30 मिनट्स के लिए, सॉरी 30 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट जाएगा एक बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, कच्चापन निकलने तक उसको ऐसे घुमाइए। अगला जाएगा ये जो चिकन है, वो चिकन को आपको 2 से 3 मिनट तक चलाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। सो 2 से 3 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा पक जाता है। नेक्स्ट इसमें डालूँगी मैं जो पेस्ट हमने बनाई थी, टमाटर, प्याज, काजू और लाल सूखी मिर्च के, तो ये इसमें आप डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी इसमें पानी डालना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मिक्सचर में बचा हुआ मसाला है उसमें 2 कप के अराउंड पानी डालूँगी, और जो चिकन हमने मैरिनेट करने रखा था उसमें भी थोड़ा पानी ऐड करूँगी। तो इससे क्या होगा, हमारे मसाले कुछ वेस्ट नहीं जाएंगे और सब यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें करीबन 2 छोटे कप पानी डाला है मैंने, और 1 कप पानी मैं उस पतीले में ले रही हूँ मैरिनेशन के। तो ये मैंने ऐसे सब साफ करके लिया है, तो अभी आप इसे ऐसे मिक्स कीजिए और करीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम हीट पर पकने दीजिए चिकन को अच्छे से। अभी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच गरम मसाला भी डाल रही हूँ। गरम मसाला से स्पाइसी लेवल और थोड़ा बढ़ जाता है और बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस करी का टेस्ट करीबन बटर चिकन जो आप खाते हो, बट स्पाइसी बटर चिकन जैसा है ये। फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के रखूँगी अभी। तो ऐसे उबाल आने के बाद समझ लीजिए कि आपका चिकन पक के एकदम रेडी है। ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ओवर कुक हो जाएगा। तो अभी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और चिकन का एक पीस मैंने तोड़ के देखा था तो वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है। फाइनली मैं गार्निश करूँगी धनिया के पत्तों से, ये घर पे ना हो तो मत यूज़ कीजिए, वो तो यूज़ कीजिए। तो रेडी है आपका क्रीमी स्पाइसी सिंपल जो 30 मिनट के अंदर होता है चिकन करी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसी लगती है रेसिपी, या आपकी रेसिपी कैसे बनी, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कौन सी नई रेसिपी चाहिए देखने के लिए, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये आपको रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा खाना खाते रहिए, अच्छा खाना पकाते रहिए, खुश रहिए।